हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एमजे मोटो व्लॉग। फाइनली गाइस, आप लोग जिन बाइक्स का वेट कर रहे थे, यमहा R3 और MT-03, इन दोनों बाइक्स का लॉन्च कंफर्म हो चुकी है। और ये जो न्यूज है, ये हम लोग को यमहा के चेयरमैन इसिन चियानी ने खुद कंफर्म किया है ऑफिशियली। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोगों का यमहा R3 और MT-03 कब तक लॉन्च होने वाली है और क्या क्या फीचर्स होने वाला है और कितने प्राइस रेंज में लॉन्च होगी, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो बिना कोई बकचोदी के लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यमहा इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इन द वर्ल्ड फॉर स्पोर्टी एंड चार्मफुल मोटरसाइकिल्स। और आप लोग को पता है ना नहीं कि यमहा अभी तक सिंगल सिलेंडर ऑफर करती थी इंडिया में, और अभी का जो R3 और MT-03 लॉन्च होने वाली है, इसमें आप लोगों को वो चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है, यमहा ने अभी रिसेंटली डीलरशिप के पास में शोकेस किया था R7, MT-07, MT-09, और तो और यमहा इंडिया के चेयरमैन ये रिवील कर दिए कि यमहा R3 और MT-03 बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। तो मैं आप लोगों को फाइनली यमहा R3 और MT-03 का लॉन्च डेट बता दूं। आप लोगों को यमहा चेयरमैन ने ये बताया कि 2023 के एंड में आपको ये दो बाइक्स इंडियन टू व्हीलर मार्केट में देखने को मिल जाएगी। तो गाइस, फाइनली यार, इन बाइक्स का जो भी वेट कर रहे थे, वेट अब हो गई है खत्म, और आप लोगों का ये बाइक्स ये 2023 के एंड को देखने को मिल जाएंगी। अब मैं बात करूं इन बाइक्स के फीचर्स के बारे में। इन बाइक्स की मैं इंजन की बात करूं, आप लोगों को एक पैरेलल ट्विन वाला 321 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, जिसका पावर आउटपुट आप लोगों को 42 PS और आप लोगों को 29.6 न्यूटन मीटर टॉर्क देखने को मिलता है, जो कि आप लोग का DOHC सेटअप के साथ 4-valve cylinder इंजन आप लोग को देखने को मिलेगा। और तो और ये आप लोगों का 6-speed gearbox के साथ आती है। और तो और आप लोग को इन बाइक में फ्रंट में USD forks देखने को मिलेंगे, और तो और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। ये बाइक आप लोग के सिंगल डिस्क यूनिट के साथ आएंगे बोथ एंड्स में, जो कि आप लोग का फ्रंट में 290mm का डिस्क देखने को मिलेगा और रियर में आप लोग को 220mm का रियर डिस्क देखने को मिलेगा। और तो और इन बाइक्स की मैं टायर्स की बात करूं, आप लोग को 110x70cc का टायर फ्रंट में देखने को मिलेंगे और रियर में आप लोग को 140x70cc के रियर टायर देखने को मिलेंगे रियर में। और तो और इन बाइक्स की लाइट सेटअप की बात करूं, आप लोग को फुल LED सेटअप के साथ ये बाइक्स देखने को मिलेंगे, फुल LED टेल लाइट्स के साथ देखने को मिलेंगी। एक शानदार फेयरिंग, एक शानदार डिजाइन के साथ ये दोनों बाइक्स इंडियन टू व्हीलर मार्केट में आप लोग को बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। और तो और आप लोगों का इन दोनों बाइक्स की फ्यूल टैंक की बात करूं, आप लोग को एक 14 लीटर्स वाला फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। और इन दोनों बाइक्स की मैं वेट की बात करूं, आप लोग को R3 169 kg देखने को मिलेगी और MT-03 1 kg कम 168 देखने को मिलेगी। अब फाइनली गाइस, ये हो गए इन दोनों बाइक्स के फीचर्स के बारे में। अब मैं फाइनली बात कर लूँ इन दोनों बाइक्स की जो प्राइस होने वाली है, आप लोग को लगभग 3 लाख के आसपास देखने को मिलेगी। अभी तक ये कंफर्म नहीं है ये कितना प्राइस होने वाला है, एक्सपेक्टेड आप लोग को बता दूं वही 3 लाख के आसपास आप लोग को देखने को मिलेगी। तो गाइस, आप लोग का जो वेट था वो खत्म हो चुका है। अब गाइस, ये दोनों बाइक जैसे कि आप लोग का 2023 के एंड को आने ही वाली है, तो गाइस और थोड़ा वेट कर लो। आप लोग में से कौन कौन R3 का वेट कर रहे हो या MT-03 का वेट कर रहे हो, मेरे को जरूर कमेंट में बताना। तो गाइस, आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। आपका भाई बहुत जल्द मोटो ब्लॉगिंग भी स्टार्ट करने वाला है, जल्दी से जल्दी आप लोग का सपोर्ट बनाए रखो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर गाइस।